और बीते 16 सालों में 2016 के बाद आरसीबी एक बार भी 180 के ऊपर चेज नहीं कर पाई। कि आरसीबी को विराट कोहली के इर्द गिर्द सीमित कर दिया गया। आरसीबी जो कि बार बार मैचेस हार जाती है, आज तक एक भी आईपीएल नहीं जीत पाई है। इतनी ज्यादा बुरी स्थिति है कि लोग उसे आरसीबी की जगह हार सीबी बोल, ई साला कपनम दे। कोई साल ही नहीं आ पाता जिस साल कपनम दे। इस साल भी आरसीबी के जो लक्षण है वो जीतने वाले नहीं है। ई साला कप नाम दे, उस साला कप नाम दे, घंटा कप लाओगे तुम भी इस तरह खेलोगे। हमारे कोहली साहब, इनके बस का अभी तक तो नहीं दिख रहा है। और जिस तरीके का परफॉर्मेंस अभी तक आरसीबी का इस साल रहा है, वो तो गारंटी देता है कि इस साल भी आरसीबी हार सीबी ही रहेगी। आप हंस सकते हैं कि ये कैसी टीम है। सामने क्रम हमारे पड़ोसी मूल भारत की आईपीएल, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी लीग करार देते हैं हमारे पड़ोसी, वो इस वक्त अपने जवाल की तरफ खुद बहुत चलती दिखाई दे रही है। किसी भी लीग की कामयाबी की सबसे बड़ी निशानी उसी मुल्क के प्लेयर्स का हाईएस्ट रन स्कोरर होना, हाईएस्ट विकेट टेकर होना और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना होता है। लेकिन आईपीएल में इस वक्त भारत के बड़े बड़े सुपरस्टार्स अपने ही होम ग्राउंड में, जहां पर वो सेंचुरियों पर सेंचुरियां स्कोर किए करते थे, अब फेल होते दिखाई दे रहे हैं। और इसी फेलियर में सबसे बड़ा नाम है विराट कोहली का, जिन्हें इसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अगले T20 वर्ल्ड कप में भारतीय स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाना था। लेकिन अभी तक वो मुकम्मल फेल होते जा रहे हैं, उनकी टीम मैचेस पर मैचेस हारे जा रही है और इसमें कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं विराट कोहली। इस वक्त रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जो कि विराट कोहली की टीम है, उसकी मैनेजमेंट को भी काफी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि विराट कोहली अपनी अलग ही एक फैन बेस रखते हैं। ना तो उनकी कोई खास परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है और ना ही उनकी टीम की, और ये कोई पहला आईपीएल का सीजन नहीं। इससे पहले आप अगर एक हिस्ट्री देखें तो आरसीबी की यही चली आ रही है कि विराट कोहली से कोई बड़ा प्लेयर रखा नहीं जाता और विराट कोहली खुद परफॉर्मेंस करता नहीं, और फिर नतीजा ये निकलता है कि पहले ही राउंड में पूरी की पूरी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। बहरहाल इस वक्त कैसे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है विराट कोहली को भारत के अपने मीडिया, जो कि उसे किंग करार देता था, आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर जरा कम निकले। शायद फैंस के यही भाव थे जब फैंस स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे, क्योंकि आरसीबी एक बार फिर घर में हार गई थी। वैसे आरसीबी इतना हार चुकी है कि फैंस कई बार जीतने पर अपने आप को शायद चिकोटी काट कर चेक करते हुए कि क्या वाकई में हम जीते हैं, क्योंकि ट्रॉफी तो एक भी नहीं आई। और बीते 16 सालों में 2016 के बाद आरसीबी एक बार भी 180 के ऊपर चेज नहीं कर पाई। इस साल भी आरसीबी के जो लक्षण है वो जीतने वाले नहीं है। आप उन्हें गेंदबाजों की फहरिस्त उठाइए, ग्लेन मैक्सवेल टॉप विकेट टेकर है, हालांकि उन्होंने ऑक्शन टेबल पर ही अपनी आधी टीम को हरा दिया था। लेकिन अगर आपकी टीम का बेस्ट बॉलर मैक्सवेल है तो फिर आप अपने आप को क्वेश्चन कर सकते हैं। यश दयाल उसके बाद, सिराज उसके बाद, कैमरन ग्रीन उसके बाद, आप हंस सकते हैं कि यह कैसी टीम है। 2016 आखिरी साल था जब चिन्नास्वामी जैसे छोटे स्टेडियम में विराट की टीम 180 प्लस गई थी। यहां पर ऑल आउट भी हो गए, 24 बार ऑल आउट हो चुके हैं, जो दिल्ली कैपिटल 25 के बाद है। लेकिन आज हमारे मन में यह सवाल है कि क्या आरसीबी जीतने की तमन्ना से उतरती ही नहीं मैदान में। और आपके मन में होगा कि यह सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि आरसीबी को विराट कोहली के इर्द गिर्द सीमित कर दिया गया। वो जो पिछले मैच में सुनील गावस्कर ने कहा था कि एक अकेला विराट क्या करेगा, ये सवाल आरसीबी के ओनर से पूछना चाहिए, उनके मैनेजमेंट से पूछना चाहिए कि वाई देयर इज ओनली एक अकेला विराट कोहली। आरसीबी के पास राहुल द्रविड़ सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर, और ऐसा नहीं कि इनके पास प्लेयर नहीं आए, दे हैड शिवम दुबे, केएल राहुल उनके पास थे, मयंक अग्रवाल उनके पास थे, एक जमाने मनीष पांडे उनके पास थे, देवदत्त पडिकल उनके पास थे। ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जो अलग अलग सीजन्स में अलग अलग जगहों पर परफॉर्म करके आए हैं। लेकिन 2008 और 2009-10 में खेलने वाले राहुल द्रविड़ अगर आपकी टीम के सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर हैं और पहला हाईएस्ट स्कोरर 7000 रन बनाकर बैठा है, तो फिर ये सवाल मैनेजमेंट को पूछना चाहिए। आरसीबी बार बार क्यों बन जाती है हारसीबी? दिग्गज ने बताया आरसीबी के हार का असली कारण सामने आया। जी हाँ, आरसीबी जो कि बार बार मैचेस हार जाती है, आज तक एक भी आईपीएल नहीं जीत पाई है। इतनी ज्यादा बुरी स्थिति है कि लोग उसे आरसीबी की जगह हार सीबी बोलने लगे। बहुत न्यूज बने, ई साला कपनम दे, कोई साल ही नहीं आ पाता जिस साल कपनम दे। महिलाओं तक ने आईपीएल जीत लिया है, आरसीबी की टीम की जो महिला टीम है उसने तक आईपीएल जीत लिया, डब्ल्यूपीएल जीत लिया। लेकिन इधर हमारे कोहली साहब, डुप्लेसी साहब, मैक्सवेल साहब, इनके बस का अभी तक तो नहीं दिख रहा है। और जिस तरीके का परफॉर्मेंस अभी तक आरसीबी का इस साल रहा है, वो तो गारंटी देता है कि इस साल भी आरसीबी
आरसीबी ही रहेगी। जिस दिग्गज का मैं जिक्र कर रहा हूं उनका नाम है अंबाती रायडू। सीएसके को पिछले साल ही इन्होंने ट्रॉफी जिताई है, बहुत सारी टीम्स में रहे हैं, मुंबई इंडियंस में भी रह चुके हैं, मुंबई इंडियंस को भी चैंपियन बना चुके हैं, यानी कि फाइनल जीतने वाली टीम में रह चुके हैं। पिछले साल सीएसके जीती थी तो सीएसके में भी अंबाती रायडू थे और उसके बाद उन्होंने आईपीएल छोड़ दिया था, संन्यास ले लिया था। तो उनको पता है कि भाई चैंपियन कैसे बना जाता है, क्या कुछ चाहिए होता है। तो जब आरसीबी पिछला मैच अपना हारी उसके बाद अंबाती रायडू कहते हैं, मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि आरसीबी की गेंदबाजी हमेशा से ही ज्यादा रन देती आई है और बल्लेबाज भी उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते। जब टीम दबाव में होती है तो उनका कोई भी बड़े नाम वाला बल्लेबाज अच्छी पारी नहीं खेल पाता, ऐसी टीमें कभी नहीं जीतती। यही वजह है कि आरसीबी ने अभी तक इतने सालों के दौरान आईपीएल का एक भी टाइटल नहीं जीता। यानी कि पोल खोलकर रख दी यहां पर, अंबाती रायडू ने साफ कह दिया कि जब मौका आता है, पहली बात तो ये कि आपकी गेंदबाजी बहुत कमजोर रहती है, हर साल आप गेंदबाजी यूनिट पर काम ही नहीं करते, अच्छे गेंदबाजों को टीम में लाते ही नहीं है, गेंदबाज ज्यादा रन देते हैं और उसके बाद आपके बल्लेबाज रन ही नहीं बनाते। बड़े मैचों में जब बड़े बल्लेबाजों को रन बनाना होता है, जिम्मेदारी लेनी होती है, तो वो बल्लेबाज फेल हो जाते हैं। जैसे कि इस टीम में एबी डिविलियर्स भी रहे हैं, क्रिस गेल भी रहे हैं, लेकिन जब बात आती थी मैच विनिंग परफॉर्मेंस की, इनमें से कोई नहीं चलता था। विराट कोहली कब तक अकेले अपने कंधे पर भार लेकर घूमते रहेंगे? हालांकि विराट ने भी कोई ऐसी मैच विनिंग पारी खेली नहीं है। कि जब वो ऑक्शन टेबल पर जाते हैं तो क्या सोचकर जाते हैं? क्या वो नहीं चाहते कि विराट से बड़ा कोई प्लेयर उनके पास आ जाए? या बीते कुछ सालों में उन्होंने कोई डेवलपमेंट को लेकर सोचा नहीं? आरसीबी के फैंस एक्साइटेड थे कि भैया हमारे पास आकाशदीप जैसा गेंदबाज है, जो इंडियन टीम में जब गया टेस्ट मैचेस में तो अंदर बाहर गेंद से प्रभावित कर दिया, 140 के ऊपर गेंद फेंका, आपने डगआउट में उसे बिठा रखा पानी पिलाने के लिए। आप एक प्लेयर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं बीते कई सालों में, और इसीलिए मेरा सवाल है कि क्या आरसीबी जीतने की चाहत में नहीं है? केवल ये कहानी चलेगी, इस साला कप नाम दे, उस साला कप नाम दे, और फैंस कहते हैं घंटा कप लाओगे तुम भी इस तरह खेलोगे। तो कप लाने के लिए तुमको अपनी टीम में जोर लगाना पड़ता है। आप जस्टिन लैंगर का वीडियो देखिए, किस तरह से अपने खिलाड़ियों को बूस्ट कर रहे हैं, मयंक यादव हुए या दूसरा प्लेयर जो आ जाया था जिसने विराट को आउट किया, दे हैड सम गुड प्लानिंग, दे हैड सम गुड प्लेयर, लेकिन आप सिर्फ बड़े खिलाड़ियों को रखते हैं। आप आरसीबी के स्टैट्स देख लीजिए, मोस्ट रन फॉर आरसीबी आईपीएल 2024 में विराट कोहली 203 रन, सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर दिनेश कार्तिक 90 रन, दिनेश कार्तिक सीरियसली 38 ईयर्स ओल्ड, अनुज रावत 73 रन, फाफ डुप्लेसी 65 रन, इन चार में दो तो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं। सवाल फिर वही है कि आरसीबी क्यों इस तरह से अपने पैसों को स्पेंड करती है? आप देखिए उनकी टीम को 11.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिया अलजारी जोसेफ को लाने में। टीवी पर घर पर मैच देखने वाला एक छोटा सा बच्चा जो 10 साल की उम्र का होगा उसको भी समझ में आ जाता है कि अलजारी जोसेफ की औकात 11.5 करोड़ की नहीं है। टॉम करन जिन्हें दुनिया की कोई टीम नहीं खरीदती, उनको खरीदने वाली टीम कौन सी होती है? आरसीबी। यश दयाल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, शानदार कर रहे हैं, वो किस्मत है आरसीबी की।